नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। एक बहुत बुरी खबर है, यूट्यूब के जितने भी लोग अधिकतर यूज़ करते हैं, क्योंकि यूट्यूब इतनी तेज़ी से वर्ल्ड वाइज फैलता जा रहा है कि अब सभी खबरें लोग लगाते हैं यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब से जो लोग अर्निंग करते थे उनके लिए है बुरी खबर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब अकाउंट्स होने वाले हैं बहुत जल्द बंद। लोग अधिकतर बेतहाश वीडियो अपलोड करते जाते हैं, ना तो उसके ऊपर कंटेंट की क्वालिटी देखते हैं, ना टैगिंग देखते हैं, ना उसकी टैगलाइंस देखते हैं, और वीडियोस जो भी अच्छा लगा सिर्फ अपडेट करते हैं। उन कारणों की वजह से जो यूट्यूब्स के ऊपर कॉमर्शियल काम करते हैं उन लोगों को भी आ सकती है बड़ी परेशानी। आपके व्यूअर सब्सक्राइबर कितने भी हों लेकिन आपका चैनल हो सकता है बंद। यूट्यूब ने टर्म कंडीशन ऐसी बना दी है कि अब वो विदाउट इन्फॉर्मेशन आपका चैनल टर्मिनेट कर सकता है। यूट्यूब से एक नया चैनल और कर आ रहा है, YouTube Kids। YouTube Kids है क्या? बेसिकली YouTube Kids के अंदर अब बच्चे जो इधर उधर की जो गलत साइट्स पे जाके अपना एंटरटेनमेंट फन करते रहते थे, अब उन बच्चों के लिए भी स्ट्रिक्टली बैन हो जाएगा, क्योंकि YouTube उस कंटेंट उस क्वालिटी के प्रोडक्टों को अलग करने जा रहा है। और हम आपको बता दें कि अधिकतर चैनलों के ऊपर मोनेटाइजेशन जो होता है वो येलो कलर का होता है, और वो येलो कलर का ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर उस पर बहुत ज़्यादा यूट्यूब्स पे येलो कलर के आइकन्स बन जाते हैं तो आपका चैनल तब भी हो सकता है बंद। तो सेफ्टी और चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान दें ताकि गलती ऐसी ना हो, कहीं आपका चैनल भी हो जाए बंद। YouTube पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अपनी जो उसके ऊपर JPG लगाते हैं, जो थंबनेल लगाते हैं, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वाइज होना चाहिए, एक सिमिलरिटी बैनर्स होना चाहिए, उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, आपने ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का कंटेंट जरूर लिखें। ऊपर से उसका टाइटल हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको लगता है वो प्रॉपर लिखें। टैगिंग्स के अंदर जो लोग अदर चैनल्स के टैगिंग्स डाल देते हैं तो वो चैनल्स के ऊपर अंदर बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि टैगिंग्स जो होते हैं वो आपके अपने होते हैं और उसकी मेकिंग करनी होती है। आपने जो जो कंटेंट्स के अंदर बोला गया है टैगिंग्स के अंदर अधिकतर वो सब चीज़ें लिखें, लेकिन अधिकतर लोग कहीं से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब्स भी जानता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी सारी गतिविधियों के ऊपर यूट्यूब्स की तीखी नज़र होती है। तो यूट्यूब्स के वाले जितने भी लोग काम करते हैं अब उनको होना पड़ेगा सचेत, क्योंकि अब मार्केट में यूट्यूब्स ने कई सारी नए फेरबदल कर दिए हैं। उन फेरबदल्स के अंदर आपका मोनेटाइजेशन जा सकता है, आपके चैनल्स के ऊपर कई सारे कॉपीराइट क्लेम्स भी आ सकते हैं, और डिफरेंट ऑफ एज लिमिट भी आ सकता है। लेकिन आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा ताकि आपका कंटेंट आपकी चैनल्स बरकरार रहे। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी छवि उसमें अधिकतर देनी होगी, या फिर अपनी क्वालिटी देनी होगी, आप प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ताकि आप इन सब चीज़ों से बचे रहें। अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल्स के अंदर कुछ नया डालें या कुछ नया लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं, ताकि वो सीधा हमारे पास तक पहुंचे और हम आपके लिए वो उन ताज़ा तरीन वीडियोज़ का निर्माण कर सकें जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो हम सब बना सकें। और आपका ढेरों सारा प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।